हेलो, गुड मॉर्निंग। और मुझे पता है सब लोगों का यही रिएक्शन होगा कि मैं काफी टाइम बाद ये बड़ा वाला व्लॉग बना रही हूँ। और मुझे भी ऐसा लगा कि यार मुझे एक बड़ा वाला डेली रूटीन व्लॉग शूट करना चाहिए। तो आज का जो दिन है ना, वो हम सुबह सुबह की धूप सेकने से स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह सुबह यहाँ पे बालकनी में आ जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा कम आती है। मेरी बालकनी में एकदम सुबह सुबह आती है, तो मैं यहाँ पे हमेशा आती हूँ विटामिन डी लेने के लिए। विटामिन डी लेने के बाद हम चलते हैं थोड़ा सा पानी पीने के लिए। और आप ही लोगों के सजेशंस के बाद मैंने ना एक कॉपर की बॉटल ली है, रुको आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये रही हमारी वो नई नई कॉपर की बॉटल, इसमें ना मैं रात ही को पानी भर के रख देती हूँ ताकि सुबह उठकर मैं इसे पी सकूँ। और ये जो 1 लीटर पानी है ना, ये मैं सुबह सुबह ही उठकर पूरा पीती हूँ। एक और चीज, आई डोंट नो, ये मतलब मुझे ही लगता है, लोगों को भी लगता होगा, कॉपर की बॉटल में जब पानी ओवरनाइट रखो और बाद में पियो ना, तो पानी का थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट बदल जाता है। मतलब आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब आ चुका है नाश्ते का टाइम। बिना नाश्ते के तो ऑब्वियसली मेरी दिन की शुरुआत होगी नहीं। तो आज हम बनाने वाले हैं साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी यूजुअली लोग उपवास में खाते हैं, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट में खाती हूँ। तो अब हम आ गए हैं किचन में। और मुझे ना बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मेरी साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी क्या है, तो आज इस बड़े वाले व्लॉग में भी मैं आप लोगों को रेसिपी बताने वाली हूँ। अब साबूदाने की खिचड़ी बनाने से पहले हमें थोड़े से आलू उबालने के लिए रख देने हैं, जो मेरे उबल चुके हैं। और उसके बाद शेंगदाने को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और मैंने साबूदाने को ना रात भर भिगोने के लिए रख दिया था, ताकि ये अच्छे से फूल के एकदम सॉफ्ट हो जाए। फिर ये जो शेंगदाना हमने रोस्ट किया है ना, इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। कुछ कुछ लोग इसमें का जो छिलका रहता है वो भी निकालते हैं, लेकिन मैं नहीं निकालती, मैं डायरेक्टली ग्राइंड कर देती हूँ। अब जो हमारे शेंगदाना है ना, वो अच्छे से ग्राइंड होने के बाद मैं इसे डायरेक्टली अभी ही इस साबूदाने में मिक्स कर देती हूँ। गैस को करते हैं चालू और उस पे रखते हैं कढ़ाई। अब कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा मत डाल देना। अब जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो इसमें मैं डालती हूँ जीरा और फिर डालेंगे कुछ खड़ी मिर्च। और अब हम इसमें डालेंगे आलू, फिर हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना। अब साबूदाना डालने के तुरंत बाद ना, मैं इसमें डालने वाली हूँ नमक। अब नमक हम आखिरी में इसलिए डालते हैं ताकि साबूदाना जो है वो अच्छे से पक जाए। और हमें ऐसे साबूदाने को तब तक के पकाना है जब तक के थोड़े से ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखना नहीं शुरू हो जाते। तो हमारा साबूदाना बनकर हो चुका है रेडी। अब फटाफट से करते हैं इसको सर्व और चलते हैं खाने के लिए। और आजकल ना पता है क्या, मुझे ना दही की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि दही मैंने घर ही पे जमाना शुरू कर दिया है। ये जो दही है ना, मतलब घर की दही है, और ये इतनी थिक बनी है। आहा हा, क्या बनी है यार साबूदाने की खिचड़ी। आप लोग भी मेरी ये वाली रेसिपी ट्राई करना और मुझे बताना कि आपकी साबूदाने की खिचड़ी कैसी बनी है। तो हमारा नाश्ता पानी हो चुका है और मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। आप लोगों से एक चीज है जो मुझे शेयर करनी है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हम कर रहे हैं ट्रैवल। अब ट्रैवल कहाँ कर रहे हैं ये तो आप लोगों को हमारे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा, लेकिन ट्रैवल करने से पहले मुझे मेरी गोप्रो की सारा फुटेज जो है वो डिलीट करना है। वो इसीलिए क्योंकि यार पता है, मैं ना थक गई लिटरली 1 TB का SD कार्ड ढूंढते 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 ढूंढते, और अब एकदम जाने के दिन मेरे पास में आ गए और मैं ऑनलाइन SD कार्ड बुला नहीं सकती, वो आएगा ही नहीं क्योंकि इतने कम टाइम में। इसीलिए मैं जितने भी पुराने फुटेजेस है वो सारे के सारे लैपटॉप में ट्रांसफर करने वाली हूँ। तो ये ऑलमोस्ट 83% अभी कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा ही बचा है, 3 मिनट में हो जाएगा ऐसा यहाँ पे बता रहा है, वेट करते हैं। और अब बारी आ गई है पैकिंग करने की। कपड़े रखने से पहले मैं सबसे पहले रखने वाली हूँ अपना मेकअप। लेकिन 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 ये जो मेकअप है ना, आईलाइनर, मस्कारा, लिप ग्लॉस, लिपस्टिक, इन सारी चीजों से भी एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, और वो होने वाली है सनस्क्रीन। अब ऑब्वियसली हम मार्च में जा रहे हैं, तो धूप बहुत ज्यादा रहने वाली है और हम धूप में ही घूमने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी स्किन डैमेज हो जाए। तो इस बार हम यूज करने वाले हैं डर्माको का ये 1% हाइलुरोनिक लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन। अब देखो यार, मेरे पास ना दूसरे भी ब्रांड्स की सनस्क्रीन है, लेकिन इस बार मैं डर्माको का ये सनस्क्रीन इसलिए ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि ये स्वेट और वाटर रेजिस्टेंस है। इसमें ना SPF 50+ है, PA++++ है। और तो और पता है, ये सनस्क्रीन बाकी सनस्क्रीन से इसीलिए अलग है क्योंकि ये हमें देता है 6 आवर्स तक की प्रोटेक्शन। और आप ना ये क्लियरली देख सकते हो कि ये सनस्क्रीन लगाने के बाद बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं आता।
अब देखो वाटर रेजिस्टेंस है, स्वेट रेजिस्टेंस है, ये तो सिर्फ बोलने की बात हो गई, लेकिन चलो फिर इसको टेस्ट भी करते हैं। और ये सनस्क्रीन को टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा 2 ग्लास पानी। अब पहले वाले ग्लास में ना मैं डालने वाली हूँ डर्माको का ये 1% हाइलुरोनिक लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन और दूसरे वाले में ऑर्डिनरी सनस्क्रीन। अब इन दोनों को ना हम अच्छे से मिक्स करेंगे एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। ये जो ऑर्डिनरी वाली सनस्क्रीन थी ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुकी है पानी में, लेकिन डर्माको की 1% हाइलुरोनिक लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुई। तो मेरे हिसाब से ना यार ये समर्स के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट सनस्क्रीन, इसीलिए मैंने इस सनस्क्रीन को टैग भी कर दिया है। आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो फॉर सम डिस्काउंट और ये प्रोडक्ट अवेलेबल है नायका, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर। अभी तक के इस साल में ना डर्माको ने 15,000 स्टूडेंट्स को एम्पावर किया है विद देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। और जितनी बार आप डर्माको के प्रोडक्ट्स खरीदते हो उतनी बार डर्माको आपके ऑर्डर को लिंक करता है टू अ चाइल्ड टू हेल्प देम एडुकेट विद भूमि फाउंडेशन एंड ऑल्सो डर्माको के सारे प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं। तो ये रही हमारी बैग, अब चलते हैं पैकिंग करने के लिए। अब कौन से कपड़े लेकर जाने हैं ना, ये मैंने ऑलरेडी सॉर्ट करके रखा था ताकि मुझे एंड टाइम में बहुत ज्यादा घाई गड़बड़ी ना हो पैकिंग करने के लिए। एंड ऑल्सो मैं अभी सारे के सारे जो जितने भी मेरे पास आउटफिट्स हैं, नाइट ड्रेसेस हैं, वो रिवील नहीं करने वाली हूँ। मैं बस आप लोगों को इतना बता देती हूँ कि जो नाइट ड्रेसेस हैं वो मैंने ज़्यादातर क्या यार पूरे के पूरे मैंने अमेजोन से लिए हैं। और जो वन पीस या क्या बोलते हैं उसे, वन पीस बैकलेस ड्रेसेस है, जो जितने भी यहाँ पर बॉडीकॉन्स है, वो सारे के सारे मैंने अर्बनिक से लिए हैं। एंड ऑल्सो जहाँ हम सिर्फ 5 दिन के लिए रहे हैं, लेकिन पता है आई गेस मैंने 5 से ज्यादा आउटफिट्स मंगाए हैं, क्योंकि हमें फोटोज भी क्लिक करवानी है, रील्स भी बनवानी है, इसलिए मैंने हम सिर्फ 6 दिन के लिए जा रहे हैं, जिसमें से आखिरी वाले दिन तो तुम लोग पकड़ो ही मत, क्योंकि आखिरी वाले दिन हम डायरेक्टली वापस आ रहे होंगे। सिर्फ 5 दिन वहां पर रहने वाले हैं, लेकिन मेरे पास कपड़े आएंगे 7 या 8 जोड़ी है। और हाँ यार, पैकिंग करते करते ना मुझे एक और चीज याद आई कि आज मैंने ना इधर उधर बहुत ज्यादा ऐसे इंक्वायरी की, क्योंकि मुझे ना ऐसे नकली वाले पलके करवानी थी, फेक आईलैशेस, जो आईलैशेस एक्सटेंशंस होते हैं आई गेस, वो करवाना था। लेकिन जहां पर मैं रहती हूँ ना, यहाँ पर जितने भी लोगों से मैंने बात की वो सब लोग मुझे 4,000 से नीचे मतलब बात ही नहीं कर रहे। 4,000 सिर्फ लगाने के लिए, रिमूव करने के लिए 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा, मतलब 5,000 रुपए फॉर लैश एक्सटेंशन। और वो लैशेस एक्सटेंशन जो रहता है वो आई गेस 20 to 25 days के लिए ही रहता है। लेकिन यार बाकी जगह मैंने देखा है 1,500-2,000 में हो जाता है, यहाँ पे इतना महंगा क्यों है? तो वो एक चीज मुझे करवानी थी, लेकिन अब मैं नहीं करवा सकती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो रहा है मुझे। अब जो फुटवेयर है ना यार, वो मेरे पास सिर्फ 2 ही जोड़ी है। ये वाला जो है वो मैंने अभी लोकल मार्केट से खरीदा है, स्ट्रीट से। और जो दूसरा वाला है, ये वाला मैंने खरीदा है जूडियो से। तो मैं सिर्फ 2 ही चप्पल स्लीपर्स लेकर जा रही हूँ। तो जो फुटवेयर के ऑप्शंस है ना, वो काफी ज्यादा कम है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी फुटवेयर है, उसमें से सबसे पहला वाला है ये जो मैंने स्ट्रीट में से खरीदा था यहाँ के, और दूसरा वाला है ये वाला मैंने जूडियो से खरीदा है। पता है लिटरली दोपहर से अभी शाम होने वाली है, मतलब 7:15 बज रहे हैं। मैं दोपहर के 2 या 3 बजे से बैठी हुई है पैकिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन अभी तक की मेरी पैकिंग हो ही नहीं रही है। मतलब मैं कुछ ना कुछ चीज़ें भूल ही रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि ये पैकिंग कल तक के चलने वाली है। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऊपर से भर दिया है जो मुझे लगता है लेकर जाना चाहिए, और अपना थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह, लिप ग्लॉस वगैरह भर दिया है, सनस्क्रीन वगैरह भर दिया है। और अभी मैं बैग पैक करती हूँ। शाम हो गई है और मुझे क्रेविंग्स हो रही है कुछ खाने की, लेकिन हमने चाय क्विट कर दी है, इसीलिए मैंने फ्रिज में आई गेस दूध में चिया सीड्स डाल के रखे थे, और ये हो चुका है रेडी। इसमें अभी मैं कुछ फ्रूट्स डालूंगी और खाएंगे हम। और अब हमारा इवनिंग स्नैक जो है वो बनकर हो चुका है रेडी। तो हो चुकी है रात, और आज दिन भर में हमने पैकिंग करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। पैकिंग भी जो मैंने की है ना, वो थोड़ी बहुत ही की है, बिल्कुल भी ढंग से नहीं की है। वो मैं सोच रही हूँ कि कल कंटिन्यू करेंगे, जितनी भी पैकिंग थोड़ी मोड़ी बची हुई है, थोड़ा मोड़ा मेकअप ही बचा हुआ है सिर्फ रखने के लिए, और शायद 1-2 जोड़ी कपड़े बचे होंगे जो मेरे कबर से मुझे निकाल के उसमें डालने हैं वो। तो अभी रात को मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, क्योंकि मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं हो रहा है यार। अभी सीरियसली 8:30 या 9 बज गए हैं व्लॉग को एडिट करते करते, कल जो मैं डालने वाली हूँ वो शॉर्ट व्लॉग एडिट करते करते।
तो अभी 9 बजे अगर मैं खाना बनाने बैठी तो मुझे 10:30 बज जाएंगे अगर मैं सब्जी रोटी भी दाल चावल बनाऊंगी। इससे अच्छा मैं सोच रही हूँ कि खिचड़ी बना के निपटा दिया जाए। लाइट बहुत ही ज्यादा डिम लग रही होगी आप लोगों को और मेरी आंखें भी आप लोगों को पता चल रही होगी कि काफी ज्यादा रेड हो गई है और सूज गई है। पता नहीं क्यों मेरी आंखें ऐसी हो गई है, शायद इसीलिए हुई है वो क्योंकि मैं ना दिन भर व्लॉग्स ही एडिट कर रही थी, स्क्रीन पर ही देख रही थी और अब मेरी आंखें बिल्कुल भी खुली नहीं रह रही है। मुझे आ रही है तड़ाके की नींद, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मैंने जितनी भी पैकिंग की है बस मैंने उतना ही पैक करके रख दिया है। बस आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देती हूँ फिर से एक और बार कि हम कर रहे हैं ट्रैवल, तो बी प्रिपेयर्ड, हमारे ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए जल्दी आने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, क्योंकि वैसे भी मैंने ये वीडियो में वैसा कुछ किया नहीं है यार लाइक करने लायक, लेकिन फिर भी लाइक कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि हम सॉरी कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि हम कहाँ ट्रैवल करने वाले, और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। हम मिलते हैं हमारे आने वाले ट्रैवल ब्लॉग्स में।